फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जैसे रिसेंट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, जिसमें अनवेल्ड किया था और गाड़ी की डिलीवरी हुई थी, नई गाड़ी आई है और उसी गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस बना रहा हूँ। आज वीडियो लगभग 3 दिनों से गाड़ी मेरे पास में, और 3 दिन में मैंने जो महसूस किया, कुछ ऑब्जर्व किया है गाड़ियों में, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। हाँ, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होगी, लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डाले होंगे, लेकिन एक यूज़र एक्सपीरियंस, एक कस्टमर के तरीके से जो मुझे महसूस हुआ मैं शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि बहुत दिनों से आप लोगों को देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वीडियो वॉच तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और चैनल्स के हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें एक होप मिलती रहे और सारी वीडियो बनाने की, नई नई चीज़ों खोजने की। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पे मैंने दिखाया, ये जो कलर की थीम आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपको सिर्फ स्पोर्ट्स पैक नाम का जो स्पोर्ट्स वेरियंट आता है 4D को स्पोर्ट्स में, वो एकदम टाइटेनियम से भी हायर होता है। और उसमें मुझे ये सारे थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ये कलर सिर्फ कैनॉन जो इसका वेज कलर आता है उसमें ये आपको चेंज मिल जाता है, जैसे कि डैशबोर्ड पे थोड़ा सा वुडन फिनिश और डोर पे मिल जाता है, साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें वही है। और इसमें जो टच स्क्रीन आपको है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, आप देख सकते हैं कितना मतलब रिस्पॉन्सिव टच है। और इसका जो टच स्क्रीन है वो सिंक 3 वाला है, वही टाइटेनियम प्लस वेरियंट का, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है। और इसकी भी मैं एक वीडियो बना करके आपको डालूंगा, क्योंकि कई सारी वीडियोज़ आपकी यूट्यूब पे मैंने खुद देखी जिसमें है तो, लेकिन वो आपको बेहतर डिटेल नहीं दे पाती है। तब तक हम बात करते हैं गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। आप गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस देख, गाड़ी की ड्राइविंग थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं। अभी जो हमारी गाड़ी की टोटल रनिंग हुई है 281 किलोमीटर हुई है, और इसमें 194 किलोमीटर हमने अभी तक गाड़ी जो है वो जब से फ्यूल फिलअप किया है तब से हमने चलाया है। गाड़ी का माइलेज 18.9 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है, और जो हमारा टोटल अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है वो 693 दिखा रहा है। हमारी एवरेज जो टॉप स्पीड जा रही है, एवरेज स्पीड किलोमीटर है, वो नीचे 80 किलोमीटर दिखा रहा है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया। उसके साथ साथ आपका जो पुराना आपका लास्ट ईयर का 2018 का वेरियंट था, उसमें जो ये मीटर का अंदर का रिंग था वो नहीं था, तो थोड़ा ऑड लगता था। अब काफ़ी खूबसूरत मीटर इसका बना दिया गया है। फीचर के मामले में आपको पता है, क्रूज कंट्रोल से लेकर के ऑटो लाइट, ऑटो वाइपर सब कुछ दिया गया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो मुझे ड्राइविंग में समझ में आया, वो ड्राइविंग में समझ में आया, गाड़ी की स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है। और पहले जो एक प्रॉब्लम होती थी, अक्सर लोग कंप्लेन करते थे कि फोर्ड की स्टेयरिंग और थोड़ा सा जो गियर है, गियर शिफ्टिंग वो बहुत हार्ड होती है, थोड़ा सा शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ नहीं है गाड़ी में, और काफ़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। और एवरेज आप देख सकते हैं, अब तो गाड़ी का एवरेज जो है वो 19 किलोमीटर हुआ। इवन अभी गाड़ी बिल्कुल भी रन नहीं किया है, हिसाब से आप देखें तो सिर्फ टोटल 300 किलोमीटर अप्रॉक्स गाड़ी अगर चली है उसके हिसाब से, गाड़ी का ये जो मीटर दिखा रहा है 19, मैं एग्जैक्ट तो इसको नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अभी जो गाड़ी दे रही होगी 16-17 का माइलेज तो दे ही रही होगी आराम से, मुझे दे रही है। आप सामने देख सकते हैं गाड़ी का फ्यूल कितना है, 1/4 मीन 25% लगभग कम हुआ है, और गाड़ी अभी भी डिस्टेंस 2703 दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को लग रहा है कि गाड़ी का माइलेज आप 16 का पा जाएंगे, क्योंकि 50 लीटर की टंकी है और उसमें उसके हिसाब से अगर आप 20 का माइलेज जोड़ेंगे तो 1000 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन 700 अभी दिखा रहा है। अप्रॉक्स गाड़ी आपकी जो है वो 16-17 का माइलेज दे ही रही है, क्योंकि हाईवे पे लगातार चल रहे हैं। शहर में भी चली है गाड़ी, लेकिन उतना नहीं, बाकी हाईवे पे चल रही है, हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, अगर हम अब बात करते हैं गाड़ी की ड्राइविंग प्लेजर की, तो देखिए ये गाड़ी जो है वो वास्तविकता में हाइट के साथ में है, और इस स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको 17 इंच की अलॉय मिल जाती है, मतलब थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बम्प्स नहीं पता चलेंगे। लेकिन इस शॉकर जो है वो स्टिफ किया गया स्पोर्ट्स वेरियंट, जैसे लास्ट फीगो स्पोर्ट्स मैंने आपको दिखाई थी, तो इस शॉकर स्टिफ होने के कारण गाड़ी की जो रोड पे ग्रिप है, गाड़ी पे जो रोड का बैलेंस है वो बहुत अच्छा बैलेंस आपको मिलेगा। और सबसे जो इसकी अच्छी बात है, गाड़ी की अच्छी ग्रिप के लिए आपको जो टायर का सेक्शन साइज दिए जा रहे हैं वो 205 and 50 and 17 मीन्स 205, 50, 17, मतलब जो गाड़ी की साइड वाल है वो साइड वाल को 50 किया गया है। मेरी फीगो में 55 है, और पुरानी जो वेरियंट आती थी उसमें 60-65 आते थे, लेकिन अभी जो आ रही है वो 50 आ रही है। सिर्फ स्पोर्ट्स वेरियंट में इतना ज़्यादा रिड्यूस किया गया ताकि गाड़ी की जो ग्रिपिंग है वो काफी अच्छी हो सके। और गाड़ी की राइडिंग आप देख सकते हैं अभी 80 है। मैं गाड़ी का आपको थोड़ा सा पिकअप दिखाता हूं, गाड़ी कितना किस तरीके से बूस्ट करती है। ये सिर्फ एक लाइट हम एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी का, और लाइट एक्सेलरेशन पे आप देखेंगे कि गाड़ी आराम से बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं
गाड़ी का ये अगर आप साउंड नॉइज़ देखेंगे तो कोई नॉइज़ गाड़ी में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हल्की सी बस इंजन की आवाज़ आती है। तो ये अच्छी चीज़ है और काफ़ी हद तक हमें इसका एक चलाने में गाड़ी में मज़ा आता है, गाड़ी को ड्राइव करने में। और जो लोग कंपेयर करते हैं इसके जो सेगमेंट में काफ़ी कंपेयर करते हैं और गाड़ियों से, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इसके सेगमेंट में हैं, लेकिन मैंने इसको इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इसकी सबसे अच्छी चीज़ है इस सेगमेंट में, हमें इतने फीचर के साथ साथ एक जो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है वो सनरूफ मिलती है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं कर सकते हम बड़े शरीर वालों को, मतलब अगर हमारी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और साथ ही साथ साथ हम थोड़े हैवी शरीर के हैं तो मस्कुलर शरीर के, इतना ये जो सनरूफ है वो हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी इंजॉयफुल है, आप उसको वो इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ गाड़ी का लुक थोड़ा सा बढ़ जाता है ये चीज़ कारण, थोड़ा सा इसको पैनारोमिक होना चाहिए था। ऊपर आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स वेरिएंट पे जो छत दी हुई है वो ब्लैक रूफ ही दी हुई है, डुअल टोन कलर उन्होंने इसको बनाया है। इसमें अगर ये इसको और जितना ये सनरूफ है उतना पीछे भी दे दिए होते तो पीछे की सीट पे खड़े होकर के हम इंजॉय आराम से कर सकते थे। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी में और ये लगी वो है इसका वैनिटी मिरर। यहाँ पे आप अगर इसका वैनिटी मिरर देखेंगे तो नॉर्मली होता ही है वैनिटी मिरर, लेकिन इसके साथ साथ जो ये इसकी लाइट है ये काफ़ी ब्राइट है और रात में मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी लुक देती है इसकी। मैं आपको पिक अपलोड कर दूंगा इसके साथ में, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विजिबल है ये, और ये जो लाइट है ये काफ़ी, इसके साथ साथ ये सारी लाइट्स बहुत विजिबल हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। एक मुझे माइनस पॉइंट मुझे ये लगा सनग्लास होल्डर दे रखा है या पेन होल्डर दे रखा है, इसमें सनग्लास बहुत इवन एविएटर सीरीज़ के जो आपके सनग्लास आते हैं रेबन के या किसी और कंपनी के, वो बहुत अच्छे से इसमें पैक नहीं हो पाते हैं, छोटा है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए था। बाकी गाड़ी का और सारी चीज़ें सारी फीचर्स बाकी अच्छे दिए गए हैं, एम्बर्ड लाइटिंग आगे फ्रंट पे दी गई है, बैक में नहीं दी गई है। और एक देखिए कॉस्ट कटिंग में क्या कहूँ, ये जो आपका ये स्विच है ना पावर विंडो का, ये एल्यूमिनेटेड है सिर्फ आगे के दरवाजों में, पीछे के दरवाजों में नेटेड नहीं है, इसमें लाइट नहीं जलती है, बाकी तो काफ़ी अच्छा दिया गया। यहाँ पे देखिए लॉक अनलॉक के लिए इन्होंने ड्राइवर और पैसेंजर मतलब को ड्राइवर जो होता है दोनों के साइड में लॉक अनलॉक बटन दिया हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। और आप देखेंगे अंदर ये जो लाइट देख सकते हैं ग्लोब बॉक्स की लाइट यहाँ पे मिल जाएगी आपको, सेल फोन होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको एक काफ़ी ट्रे मिल जाएगी, बाकी इधर आपको यहाँ पे जो हैंड रेस्ट है इसमें काफ़ी डीप आपको जगह मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसका स्पेसियस। और मैं इसको अगर एकदम पीछे सीट पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं 6 फुट हाइट मेरी है और उसके बाद में लगभग पूरा का पूरा मैं पैर डाल दे रहा हूँ, फिर भी अभी इसमें जगह है, ये सीट आराम से मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। अगर मैं इसको अपनी हाइट के हिसाब से मैनेज करूँ तो अभी भी मेरे पास काफ़ी जगह हो रही है, और मतलब ओवरऑल मुझे ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी जिस हिसाब से इसका गाड़ी कंफर्ट है, प्राइस भी ठीक है, 13-13.5 के बीच में आपको ये गाड़ी मिल जाती है एज अप टू सिटी। और साउंड क्वालिटी आपने लास्ट मेरी मूवी में सुना था, लास्ट मेरी वीडियो में आपने सुन रखा था, तो ये चीज़ अच्छी लगी। और जहाँ तक नो डाउट मैंने गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग प्लेजर के लिए यूज़ ये परचेज़ किया क्योंकि इस गाड़ी में ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा है, माइलेज भी ठीक ठाक गाड़ी देती है और थोड़ा सा रश ज़्यादा है जिसकी वजह से हॉर्न करना पड़ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और गाड़ी के बाकी अगर पीछे सीट पे आप देखेंगे तो स्पेस भी पीछे सीट का अच्छा है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है। लास्ट बहुत सारी पैकिंग की थी और पैकिंग करने के बाद पूरी फैमिली के साथ मैं गया था लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा पे और उधर से रिटर्न हो रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर के, पर कोई जो गाड़ी में ज़्यादा लोड होने की वजह से गाड़ी के पिकअप में गाड़ी के परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल भी पिकअप परफॉर्मेंस में नहीं, ये आप माइलेज देख सकते हैं इतना लोड होने के बावजूद भी गाड़ी का यही माइलेज रहा है, तो ये चीज़ अच्छी लगी। क्रूज़ कंट्रोल का काफ़ी बेनिफिट मुझे मिला, गाड़ी की जो क्रूज़ कंट्रोल में परफॉर्मेंस होती है वो भी मुझे इसमें अच्छी लगी, तो ओवरऑल गाड़ी अभी तो मेरे को अच्छी चल रही है, बाकी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में पता चलेगा कि गाड़ी की सर्विसिंग अभी जो है उसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या उसके बाद में मुझे प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि गाड़ी जब तक लगभग 2,000-3,000, 4,000, 10,000 नहीं चल जाएगी तब तक गाड़ी का बिल्कुल भी जो और मेजर कमियाँ आती हैं सामने नहीं, हालांकि उम्मीद नहीं करता क्योंकि मेरे पास एक 2013 की भी इको स्पोर्ट थी और वो उससे काफ़ी मच सेटिस्फाइड हूँ, फिगो से सेटिस्फाइड हूँ, तो इससे भी उम्मीद करता हूँ सेटिस्फाइड रहूँगा ही रहूँगा। आगे की अगर आप लोगों को कोई इसमें आपकी कोई जानकारी चाहिए या कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई अगर ओपिनियन है तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ज़रूर वो चीज़ डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा अपने विचार, आपके पॉइंट्स आपकी जानकारी देने में काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोगों का प्यार बना रहे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।